हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुशकन नागले। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी जिसका नाम है दो दोस्त। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। उनकी दोस्ती को लेके सब उनका सम्मान करते थे। एक दिन वो ऐसे एक भगवान पे निर्भर था और एक मेहनत करता था, तो मेहनत करने वाले के पास ज़्यादा लाभ हुआ। पर है ना, जो दूसरा वाला दोस्त था वो तो भगवान के ऊपर ही निर्भर था। तो फिर दोनों में बंटवारे का निवारा हुआ। तो फिर जो परिश्रम वाला दोस्त रहता है वो ना मुखिया के पास जाता है और पूछता है। तो फिर मुखिया उनको है ना कंकर वाले चावल देता है और बोलता है कि है ना इनमें से ना मट्ठर है ना तोड़ इधर करके लाना। तो फिर वो जाते हैं। फिर जो मेहनत वाला रहता है वो है ना पत्थर कर देता है और है ना ऊपर वाले पे निर्भरता वो ऐसे है ना रख देता है उसको और बोलता है अब तो मैं ही जीतूंगा। फिर सुबह होते पर सब उठते दोनों उठते हैं और जल्दी से मुखिया के पास जाते हैं। तो फिर जो परिश्रम वाला रहता है उसकी बॉडी खुल के देखते हैं। तो फिर उसके सारे कंकर इधर रहते हैं और जो है ना वो चावल थे वो इधर रहते हैं। तो फिर ऐसा करके ना उस जो भगवान पे निर्भर था वो वाला लेके खुलते तो फिर उसके दोनों मिले हुए थे। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी भगवान पे निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान बहुत देर तक परिश्रम करने बस ही देते हैं। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।